नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैकिरो की एजुकेशनल में। और आज हम देखेंगे कि साइरोटेक का जो ये ONU है, FTTH राउटर है, ये ONT भी बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, और ONU भी बोलते हैं ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। तो इसको किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है वो हम देखते हैं, और इसी तरह दूसरे कंपनीज के जो ONU आते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइरोटेक से। ये मॉडेम आप देख सकते हैं, वाईफाई राउटर है और डबल एंटीना है। इसमें डिटेल्स इसकी पीछे लिखी हुई होती है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और किस तरह से लॉगिन करना है, तो चलिए देखते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। और हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। जनरली सभी मॉडेम्स का या राउटर्स का IP एड्रेस होता है वो यही होता है, 192.168.1.1। और आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर इस तरह से लॉगिन नहीं हो पाता है तो आप अपने लोकल एरिया कनेक्शन में जाए और वहाँ पे IP सेटिंग्स चेक करें। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार हम अपनी IP सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। लोकल एरिया कनेक्शंस, प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ पे IP हमने ऑटोमेटिक रखी है लेकिन दिक्कत आ रही है, नहीं ले रहा है। तो चलिए कोई नहीं, इसमें हम IP कुछ डाल देते हैं, इसी तरह का 192.168.1.5 ले लेते हैं। टैप करेंगे, मास्क आ जाएगा आपका, और गेटवे मॉडेम का जो IP है 1.1, उसी को रखेंगे। अब देखते हैं नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है या नहीं, और अगर कोई प्रॉक्सी सेटिंग्स एक्टिव है तो आप उसको डिसकनेक्ट कर लें। ये देखिए आइडेंटिफाई हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए जैसे ही हमने IP डाली है और ये आइडेंटिफाई कर लिया है और इसमें लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो हम इसमें एंटर करेंगे। बैड पासवर्ड, ओके, फिर से ट्राई करते हैं। तो लीजिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और इस बार प्रोबेबली हमने सही डाल दिया है बाय डिफ़ॉल्ट और ये लॉगिन हो गया है। तो ये देखिए, तो इसका जो आपने देखा फ्रंट पेज, जो क्रेडेंशियल वाला पेज है उसमें केवल यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। तो ये काफ़ी पुराना वर्जन है, इसको अपग्रेड कर दिया है कंपनी ने। इसका फॉर्मवेयर आपको अपग्रेड करना है, इसके लिए आपको जाना है डिवाइस मैनेजमेंट में। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे और डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको इसको अपग्रेड करना है, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए आपके पास वो फाइल होनी चाहिए, और इस फाइल को हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और अपग्रेड कर देंगे। तो चलिए ये फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है, अपग्रेड साइरो 401 करके, और इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आर यू श्योर? बिल्कुल श्योर है अपग्रेड करना है। यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं परसेंटेज चल रहा है 34, 35। तो ये फाइल अपलोड हो रही है। और एक चीज़ का खास इसमें ध्यान रखना है, जिसका हम आपको बता देते हैं इस बीच में जब तक कि ONT अपग्रेड होता है, कि आपको अपग्रेड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पावर सप्लाई इंटरप्ट ना हो, यानी कि मॉडेम की अगर सप्लाई इस बीच में बंद हो जाती है तो फर्मवेयर क्रैश हो जाएगा और आपका ONU शायद डैमेज हो जाए, यूज़ ना आए। इसलिए इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि UPS के साथ में या इन्वर्टर सप्लाई के साथ में ही अपग्रेड करें, या फिर जैसे भी आप अपग्रेड करें, इसका ध्यान रखें कि सप्लाई इंटरप्ट ना हो। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही ये 108 सेकंड्स पूरे होंगे हम मिलते हैं वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। देखिए 5 सेकंड्स रह गए हैं और इसके बाद में ये वापस रीलॉगिन मांगेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लॉगिन पेज है उसमें 3 ऑप्शन आ गए हैं। वेरिफिकेशन कोड वाला एक नया ऑप्शन
आ चुका है। चलिए तो एडमिन, और अब जो पासवर्ड है अपग्रेड करने के बाद में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो न्यू हो गया है। और यहाँ पे कैप्चा हम डालेंगे PUBSG। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार हमें ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डालना है। ओल्ड पासवर्ड में वही जो अभी हमने डाला था, और न्यू पासवर्ड में जो आपको इजीली याद रहे वो, या फिर फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट की तरफ से अपना एक पासवर्ड रखा गया हो वो आप रख सकते हैं। ये पासवर्ड चेंज हो गया है और अब फिर से न्यू पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना है। ये पासवर्ड आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएंगे, या फिर आपको आपके जो भी वेंडर है, जो फ्रेंचाइजी ओनर है, वो आपको बता देगा, या फिर वो आपको खुद कॉन्फ़िगर करके दे देगा। हम यहाँ पे वीडियो में ओपनली नहीं बता रहे हैं ताकि सिक्योरिटी पर्पस से इसका कोई मिसयूज़ ना हो। आप हमें लॉगिन कर कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें हम आपको पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम फिर से लॉगिन हो चुके हैं और फॉर्मवेयर हमारा अपग्रेड हो चुका है। अब इसमें नेटवर्क सेक्शन में जाना है जो कि हमारे काम का है, और इसमें VoIP सर्विस भी है, इंटरनेट सर्विस भी है। तो सबसे पहले तो जो सर्विस है उसको हम डिलीट कर देंगे डायल ऑप्शन से, और उसके बाद में न्यू एड न्यू वैन कनेक्शन इसमें जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि चाहे VoIP सर्विस हो या फिर इंटरनेट सर्विस हो, दोनों में ही रूट ऑप्शन लेना है, मोड जो है, और IPv4 लेना है। अब जो नीचे प्रोटोकॉल आ रहे हैं उसमें DHCP स्टैटिक और PPPoE है, वो आपको किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन बनाना है तो PPPoE ऑलवेज ऑन PPP ओवर ईथरनेट बनाना है, और अगर VoIP वॉइस ओवर IP बनाना है तो स्टैटिक बनाना है। प्रॉक्सी को अनेबल नहीं करना है, नेट अनेबल रहेगा, और VLAN अनेबल करना है। तो चलिए VLAN ID में आपका जो भी VLAN ID है, लाइक 127 प्लस जो भी होगा, 128 फर्स्ट कनेक्शन हम दे रहे हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। MTO साइज़ को कोई डिस्टर्ब ना करे, 1492 जो भी है वो रहने दें। यूज़र नेम आपका ISP प्रोवाइड कर देगा, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे BSNL हो या कोई और फाइबर सर्विस प्रोवाइडर हो। पासवर्ड भी आपको वहीं से मिलेगा, और सर्विस नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए, तो ऑटो कनेक्ट एंड सर्विस टाइप PP इंटरनेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। यूज़र नेम पासवर्ड इज़ नल, ओके। तो यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करना ज़रूरी है। चलिए कुछ डाल देते हैं फ़िलहाल ऐसे ही, और सेव कर देते हैं एक बार। यहाँ पे आपको अपना जो ISP के द्वारा दिया गया यूज़र नेम पासवर्ड ही डालना है, और हमारा कनेक्शन ये बन जाएगा। इसको आप चेक करने के लिए स्टेटस में जाके यहाँ पे वैन कनेक्शन इन्फो है, वहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट RVID 128, और ये आपका कनेक्शन बन गया है। यहाँ पे स्टेटस डाउन है क्योंकि हमने पासवर्ड गलत डाला है, यूज़र नेम गलत डाला है, और अभी हमारा PON या लाइट भी नहीं आ रहा है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए वापस चलते हैं नेटवर्क में, और यहाँ पे फिर से हम एक और कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू वैन कनेक्शन। जैसा कि यहाँ पे रूट ही रहेगा, IPv4 ही रहेगा। अब बात करते हैं VoIP सर्विस के लिए। उसके लिए स्टैटिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अनेबल करना है। VLAN जो भी आपका ISP प्रोवाइड करेगा, जनरली यहाँ पे 1830 है, तो वो आप इसमें एंटर करेंगे। IP भी आपको जो ISP की तरफ से मिल जाएगा, तो वो IP यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसके बाद में प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS आप इसमें सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करें,
और सेव अप्लाई कर दे। अगेन आईपी एड्रेस 00 है वो अनअवेलेबल है, तो कुछ भी आप यहाँ पे फिलहाल हम डाल देते हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको सही डालना है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से आपको बता रहे हैं। चलिए ये कनेक्शन भी बन गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक इंटरनेट और दूसरा वॉइस का कनेक्शन बन चुका है। स्टेटस में आप दोनों चेक कर सकते हैं, वैन कनेक्शन में ये आ गए यहाँ पे। तो ये दोनों ही कनेक्शन डाउन दिखाएगा फिलहाल, क्योंकि पैरामीटर्स हमने सही नहीं डाले हैं। चलिए अब आते हैं नेटवर्क में वापस से, और लैन आईपी एड्रेस है यहाँ पे, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो आईपी बदल सकते हैं। इंटरनेट का कनेक्शन हमने बना लिया है, और फिर हम चलते हैं वीलैन में, डब्ल्यू लैन में। डब्ल्यू लैन में अगर आपको वाईफाई बंद करना है तो डिजेबल डब्ल्यू लैन इंटरफेस, वायरलेस लैन इंटरफेस बंद कर सकते हैं, अदरवाइज ये चालू होता है। और डिफ़ॉल्ट SSID इस तरह का कुछ FTTS-0877 या कुछ भी नंबर हो सकता है, जो भी डिवाइस का नंबर होगा, इसको आप चेंज करके अपना नाम रख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई चेंजेस करना है। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और सिक्योरिटी में आपको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में आपका पासवर्ड क्या है वो WPS कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल 128 कंटिन्यूसली 1234567 8 है, ये आपका पासवर्ड है। आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको बाद में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में यहाँ पे आपको UPnP डिजेबल रखना है और VOIP में कॉन्फ़िगरेशन करना है। VOIP का आपका जो ISP है वो प्रोवाइड कर देगा ये सर्विस। आपको मालूम होगी अगर आप ISP साइड से हैं या फ्रेंचाइजी साइड से, तो ये आप इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 जगह पे एक ही IP एंटर करना है। सेकेंडरी SIP प्रॉक्सी में कुछ नहीं डालना है। और यहाँ पे लाइन 1 अनेबल करते हुए यहाँ पे आपको आपका जो भी टेलीफोन नंबर अलॉट हुआ है विथ STD कोड, और स्टार्टिंग में 0 की जगह 91 यूज़ करना है। 91 और STD कोड, जैसे आपका कुछ भी 1, 2, 3, 4 और 6 डिजिट का नंबर होगा वो आपको लेना है। इस तरह से टोटल आपका हो जाएगा ये 12 डिजिट का नंबर, इसी को आपको 3 जगह पेस्ट करना है। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट और सेव अप्लाई कर देना है। ये आपकी सेटिंग्स यहाँ पे सेव हो गई, और यहाँ पे आईपी आपको डाल ही लेना है। इस तरफ से सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है इसमें, और आप इसको जैसे ही आपके फाइबर लाइन से कनेक्ट करेंगे, आपके मॉडेम के ऊपर एक लाइट जल रही है LOS, रेड कलर में ब्लिंक हो रही है। वो रेड नहीं आनी चाहिए जब आप फाइबर लगा देंगे तो। अगर आपकी फाइबर की पावर रेंज सही होगी और लाइन डिसकनेक्टेड नहीं होगी तो आपका LOS चला जाएगा और PON ग्रीन हो जाएगा। PON पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क, LOS लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल नहीं आना चाहिए। जब सिग्नल आप कनेक्ट कर देंगे तो PON अनेबल हो जाएगा, और इसी के साथ में आपका इंटरनेट भी चालू हो जाएगा, वॉइस भी चालू हो जाएगा। अब इस मॉडेम में आप देख सकते हैं, तो ये जो राउटर है इसमें हम देखेंगे कि पीछे कुछ पोर्ट्स होंगे। आपका ये ब्लैक जो ढक्कन से बंद है वो PON वाला पोर्ट है, इसमें फाइबर लगेगा, PON लिखा भी है। और दूसरा है FXS, इसमें टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट आप लगा सकते हैं। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की सर्विस आपको VOIP सर्विस में कॉन्फ़िगर कर दी गई है। और 2 लैंड पोर्ट है जिसको आप किसी दूसरे राउटर से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी वाईफाई के लिए एंटीना है ही। और ये आपका चार्जर, रिसेट पिन, वाईफाई लॉक अनलॉक और पेयरिंग पिन दी हुई है। तो इस तरह से इसमें आप ये कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बताया था ये PON LOS की लाइट आ रही है अभी, तो सिग्नल नहीं दिया हुआ है फाइबर का, इसलिए LOS आ रहा है। ये लगाते ही PON एक्टिव हो जाएगा।